जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। तो इस वक्त मैं जो यहाँ दुबई की लोकल बस है उसमें बैठा हूँ। तो मैं कि काम जा रहा था तो सोचा आपको भी थोड़ा सा दुबई का विज़िट करवाते हैं, तो अभी बस में मौजूद हूँ। तो आइए हम आपके साथ इस विज़िट करते हैं और आपको दुबई की मुख्तलिफ जो है ना वो लोकेशन दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ बाहर देख पा रहे हैं, ये सतुआ का इलाका है और आपको पीछे कुछ बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। तो नए लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, जैसे यूरोप के हवाले से अगर आप जाना चाह रहे हैं, किसी भी शेंगेन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, या दुबई में अगर आपका अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, या अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियो जो है ना इसके ऊपर मौजूद है। चलो जी, बस चल पड़ी है और ये देखिए जी खूबसूरत नज़ारा दुबई का। ये आपको जो व्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ बस के अंदर से दिखा रहा हूँ, मार्केट्स। ये जी सामने यहाँ बस रुकी है और सामने बस स्टेशन है, यहाँ से लोग इंतज़ार करते हैं अपनी बस आने का और फिर उसके। तो एक अच्छा एक यहाँ प्लान के साथ काम किया हुआ है, इसके अंदर भी एसी लगा हुआ है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। बस स्टेशन के सामने देखिए यहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर, RTA की ने किया हुआ यहाँ पर। तो ये भी इशारा बंद है और देखें कितने डिसिप्लिन के साथ हर गाड़ी जो है ना वो अपने अपने लाइन में खड़ी है। तो आज की वीडियो आपको दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पे आपको रूट्स दिखाना, यहाँ का डिसिप्लिन दिखाना, यहाँ की ब्यूटी दिखाना और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम दिखाना। पीछे से कुछ व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखें हर एक गाड़ी जो है ना वो अपनी लाइन में आ रही है, ये नहीं है कोई एक लाइन को क्रॉस करके दूसरी लाइन में नहीं जाएगी। अगर उसने क्रॉस करना है तो उसको बाकायदा एक आप इशारा देना पड़ेगा या वो लगाना पड़ेगा ताकि वो इस किधर भी उसने टर्न होना है। तो ये गैर कानूनी तरीके से इलीगल वे से कोई क्रॉसिंग नहीं। देखें जो सामने दो गाड़ियाँ एक बिल्कुल अपनी लाइन में है और बाकी देखें एक साइड बिल्कुल लाइन खाली है। तो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट प्लानिंग है यहाँ पर। ये सामने देख सकते हैं कुछ कच्चा इलाका है, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन कुछ चल रही है और ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये रास्ता बंद किया हुआ है यहाँ पर, और वो सामने एक छोटा सा आपको स्कूल भी नज़र आ रहा है बच्चों के लिए, और पीछे आप देख सकते हैं ग्रीन लगी हुई है, नई बिल्डिंग्स बना रही हैं। तो दुबई अपने आप को और डेवलप कर रहा है, पहले ही अच्छा खासा डेवलप है, उसके बाद मज़ीद अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ की देखें ख़ास बात ये है कि साथ साथ देखिए वो कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, नीचे पाइपलाइन भी बिछाई जा रही हैं और वर्किंग देखिए आपको जितने भी नज़र आ रहा है ना ये वर्किंग हो रही है। लेकिन किसी भी जगह पे आप ये नहीं देख सकते कि ट्रैफिक का क्राउड है, ट्रैफिक का रश है। मकसद ये कि ट्रैफिक बिल्कुल अपने फ्लो के साथ जा रही है, किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, काम भी चल रहा है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी बिल्कुल फ्लो के साथ चल रही है। तो यही यहाँ की सबसे खूबसूरती है, अच्छी बात है कि यहाँ पर काम भी होता है और यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये दुबई की पब्लिक लाइब्रेरी है, ये सामने जो बिल्डिंग है लाइब्रेरी है, सामने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद और यहाँ पे दरार। काफ़ी काम किया है, काफ़ी वर्क किया उन्होंने प्लांटेशन के ऊपर।
सामने एक अच्छी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर आपको जानवर बहुत नज़र आएंगे, परिंदे या कबूतर बहुत ज़्यादा हैं इन बिल्डिंग्स के ऊपर। ये है जी सामने एतिसलाल का ऑफिस और ये कुछ अंडरग्राउंड्स। ये आप देख सकते हैं रास्ता बताया गया है कि आपने कहाँ जाना है, तो ये रास्ता भी मेंशन होता है यहाँ पे। देखें जी ब्रिज, बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है यहाँ पर, अंडरपास ब्रिज, वेरी नाइस। ये है जी अलगुबैबा का इलाका और यहाँ की आपको बिल्डिंग्स दिखा पा रहा हूँ मैं। लाइफ फार्मेसी, ये है जी अलगुबैबा बस स्टेशन। ये है जी बस स्टेशन, यहाँ से आप मुख्तलिफ जगह पर जा सकते हैं, अबू धाबी जाना है, अलैन जाना है, अपने शारजा जाना है, अजमान जाना है, तो ये अलगुबैबा का बस स्टेशन है नज़दीक जो पड़ता है। यहाँ से आप अपने जिस जगह पे भी आपने जाना है यहाँ से आपको हर बस जो है ना मिलेगी। जब भी आपने यहाँ से अबू धाबी जाना है, दुबई से अबू धाबी जाना है, शारजा जाना है, अजमान जाना है, रैस अल खैमा जाना है, शारजा जाना है, तो यहीं आप बस स्टेशन पे आएँ और अब आप जो है ना यहाँ से जा सकते हैं। चलें जी अब हम कॉट पंच करते हैं और तो ये है जी बस स्टेशन और यहाँ से अब हम अपने काम के लिए निकलेंगे। तो थोड़ा सा आपको व्यू करवाता हूँ, क्या खूबसूरत है यहाँ पर मंज़र। चलें जी ये थी आज की हमारी वीडियो और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।